तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.6। तो 5.6 देखिए एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड अप्लाई करेंगे, सारे क्वेश्चन उसी मेथड से लगेंगे जा करके। तो कैसा मेथड, देखिए इसमें फाइंड आउट करना है हमको dy अपॉन में dx फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना, मतलब कोई दो फंक्शन दिए जाते हैं, दो फंक्शन जब दिए जाएंगे आपको निकालना क्या होता है, dy अपॉन में dx फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है, dy अपॉन में dx। तो देखिए x इज इक्वल टू दे रखा है, तो पहले x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, कितना है 2at स्क्वायर, क्लियर है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब टी के रिस्पेक्ट में क्यों किया गया यहां पे, क्योंकि यहां फंक्शन राइट साइड में क्या दिख रहा है, टी। तो किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, बात समझ में। तो यहां पे करेंगे डी अपॉन में डी टी, और ये कितना है एक्स, और ये डी अपॉन में डी टी, ये कितना है 2at स्क्वायर, बात समझ में। अब यहां पे देखिए t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन यहां पे x है, तो जब ऑड होता है तो क्या करते हैं, इसको चिपका देते हैं यहां पे, जैसे हम लोग y चिपकाते थे जब x के रिस्पेक्ट में होता था। तो dx अपॉन में dt, क्लियर है, बराबर कॉन्स्टेंट टर्म डिफ्रेंशिएट में क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो 2a बाहर ले लिया, डी अपॉन में डी टी कितना है हमारे पास, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसका करेंगे, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा डीएक्स अपॉन में डी टी बराबर 2a, ये फॉर्मूला हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, क्योंकि डी अपॉन में डीएक्स एक्स की पावर एन होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो यहां पे 2t की पावर 2 माइनस 1, तो डीएक्स अपॉन में डी टी बराबर हो जाएगा, दो दुना कितना हो जाएगा 4a, और ये कितना है t, बात समझ में आई। तो ये निकल के आया dx अपॉन में dt इज इक्वल टू 4at निकल के आ गया, ये बात समझ में आई होगी उम्मीद है, क्लियर है। अब चलते हैं देखते हैं यहां पे dx अपॉन में कितना निकला हमारे पास, dt इज इक्वल टू 4at। अब देखिए यहां पे सेकेंड पार्ट में चलते हैं, सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, y इज इक्वल टू 8t की पावर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब इसका भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो d अपॉन में dt, और यहाँ पे y, यहाँ पे d अपॉन में dt, 8t की पावर कितना है, 4 है। y को चिपका दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dt, कॉन्स्टेंट टर्म a बाहर ले लेंगे, बचेगा d अपॉन में dt, और ये t की पावर 4 हो जाएगा, क्लियर है। तो dy अपॉन में dt, क्लियर है, ये फॉर्मूला हो जाएगा nx की पावर n माइनस वन, तो यहां हो जाएगा 4t की पावर 4 माइनस 1। तो ये हो गया डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 4at की पावर कितना हो गया, 3। तो डी वाई अपॉन में डी टी ये निकल के आ गया, क्या निकल के आया, डी वाई अपॉन में डी टी। हमें लाना क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो देखिए डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है डी वाई अपॉन में डी टी, और ये डी एक्स अपॉन में डी टी, ये फॉर्मूला याद रखना है, बस इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन में डी टी और डी एक्स अपॉन में डी टी, यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी टी और यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी टी से डिवाइड किया गया, क्योंकि देखिए डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स अपनी कंडीशन में आ जाएगा, बात समझ में। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स निकल के आया, निकालना है हमें, और डी वाई अपॉन में डी टी, और डी वाई अपॉन में डी टी का वैल्यू कितना हमारे पास है, 4at³, क्या है 4at³, बात समझ में। और ये डी एक्स अपॉन में डी टी, ये डी एक्स अपॉन में डी टी कितना निकल आया, 4at, तो यहाँ पे रखेंगे 4at, निकालना क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
ए से ए कैंसिल, फोर से फोर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो यहाँ कितना घात बचा, दो, तो कितना निकल गया, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए हम समझाने के लिए आपको ऐसे बताए हैं तो समय लगा है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो समय नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसी में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है, कह रहा है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। क्या दे रखा है, बी कॉस थीटा। आप पेन कॉपी लेकर के बैठिए और अपनी बुक तो जरूर लेकर के बैठे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन जो लिख रहे हैं वो समझ में आए, ठीक है। एक्सरसाइज 5.6 आप खोल के बैठे, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, ठीक है। ए बी और कॉस कॉस सेम दे रखा है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला जब डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का करेंगे, किसका करेंगे, ए कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्यों थीटा लिखा, क्योंकि फंक्शन क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में। ये चीज आप जरूर ध्यान दें, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। अगर यहाँ थीटा है एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो d अपॉन में d थीटा यहाँ पे क्या है, x, d अपॉन में d थीटा ये क्या है, a cos थीटा। देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में है लेकिन यहाँ पे x है, तो x को क्या कर देंगे, चिपका देंगे यहाँ पे, dx अपॉन में d थीटा, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया अभी बताया हमने, और cos का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो dx अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, बात समझ में आई। तो डी एक्स अपॉन में d थीटा, ये पहला फंक्शन निकल के आ गया हमारे पास, ठीक। अब चलते हैं सेकंड निकालते हैं, y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा के लिए। तो y इज इक्वल टू हमारे पास है b कॉस थीटा, अब हम डिफ्रेंशिएट इसका करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, बात समझ में आई, ठीक है। तो डी वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डी थीटा, और बी कांस्टेंट टर्म है बाहर ले लिया, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो डी वाई अपॉन में डी थीटा और माइनस का बी साइन थीटा, बात समझ में। तो ये फंक्शन निकल के आया डी वाई अपॉन में डी थीटा, हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है। तो हम फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, डी वाई अपॉन में डी थीटा और यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी थीटा, बात समझ में आई। रखिए जा करके वैल्यू, जब रखेंगे डी वाई अपॉन में डी थीटा, डी वाई अपॉन में डी थीटा कितना निकला है, बी माइनस का बी साइन थीटा, और इसका वैल्यू कितना है, माइनस का ए साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास आ गया, ये आंसर कितना निकल आया, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन में कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स डिफ्रेंशिएट कितना निकल आया, बी बाई ए निकल के आ गया। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, देखिए आप अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्स इज इक्वल टू दे रखा है साइन टी, और वाई इज इक्वल टू दे रखा है कॉस टू टी, वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉस टू टी दे रखा है, बात समझ में यहाँ पे। अब डिफ्रेंशिएट हम करेंगे पहले फंक्शन का, पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू साइन टी दे रखा है, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा, सॉरी x नहीं, t के रिस्पेक्ट में,
फंक्शन जैसा होता है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी है तो क्या करेंगे टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी अपॉन में डी टी ये कितना है एक्स, और डी अपॉन में डी टी ये क्या हमारे पास साइन टी है। तो डी एक्स को जाके चिपका देंगे यहाँ पे, डी एक्स अपॉन में डी टी साइन का क्या हो जाता है कॉस टी हो जाता है, साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएट कॉस हो जाता है, पहला निकल के आया। अब सेकेंड में चलते हैं, वाई इज इक्वल टू कॉस टू टी, अब इसका भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स सॉरी टी, टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी, बात समझ में आई। और कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टू टी, पहले कॉस का हो जाएगा साइन, अब देखिए चैन रूल लगेगा टू टी, तो टू कॉन्स्टेंट टर्म है डी अपॉन में डी टी, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा टू, तो डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू दो यहाँ पे माइनस का टू साइन, देखिए टू साइन टू टी, टू साइन टू टी, और इसका डिफ्रेंशिएट कितना हो जाता है वन, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू माइनस का टू साइन टू टी हो जाएगा। तो ये क्या निकला है डी वाई अपॉन में डी टी निकल के आ गया, और हमें निकालना क्या है डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है डी वाई अपॉन में डी टी, और ये डी एक्स अपॉन में डी टी हो जाएगा। डी वाई अपॉन में डी टी का वैल्यू कितना है माइनस का टू साइन टू टी अपॉन में क्या है कॉस टी। अब और आगे सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए माइनस का टू साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, मतलब साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना, ये टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्या करेंगे टू साइन टी इंटू कॉस टी रख दिया, अपॉन में क्या है कॉस टी से कॉस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास जो निकल के आ गया क्या निकल के आया डी वाई अपॉन में डी एक्स, और दो दुना कितना हो जाएगा फोर साइन टी, तो ये क्या निकल आया फोर साइन टी, इसका क्या निकल के आया आंसर निकल के आ गया, क्या निकल आया माइनस का फोर साइन टी निकल के आ गया, बात समझ में आई। चलिए अब क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर जो है जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा हमारे पास सेम यही मेथड से सब लगेंगे, x इज इक्वल टू फोर टी और y इज इक्वल टू फोर अपॉन कितना दे रखा है t दे रखा है, डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले x इज इक्वल टू फोर टी, ठीक है सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा, x इज इक्वल टू फोर टी दे रखा है, अब डिफ्रेंशिएट करिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्यों किया क्योंकि यहाँ फंक्शन कैसा है t के, तो dx अपॉन में dt, अब हम डायरेक्ट चलेंगे यहाँ पे 4 और t का कितना हो जाएगा 1, तो dx अपॉन में dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, पहला फंक्शन निकल के आ गया। सेकेंड पे चलते हैं, y इज इक्वल टू 4 अपॉन t, इसका भी डिफ्रेंशिएट हम करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dt इज इक्वल टू, देखिए 4 कांस्टेंट टर्म है d अपॉन में dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन t, मतलब 1 अपॉन x लिखा है, हमने आपको बताया था कि d अपॉन में dx 1 अपॉन x लिखा है, तो इसका डिफ्रेंशिएट होता है माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है पहला, इससे पहले वीडियो नहीं देखें तो सारे वीडियो देखें जा करके, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dt और 4 इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमें निकालना ये नहीं है, क्या निकालना है हमें निकालना है डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है, तो निकालना है हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका डी वाई अपॉन में डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में दे रखा है, और ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स अपॉन में डी टी, ठीक है अब डी वाई अपॉन में डी टी का माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर, क्लियर है इसका वैल्यू हमारे पास ये है, और डी एक्स अपॉन में डी टी कितना है 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तो कितना हो जाएगा ये 4 सॉरी 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि ये टी नीचे आ जाएगा ना,
तो माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू, और ये वाला कितना हमारे पास, ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 4। देखिए यहाँ पे 4 अपॉन 1 हो जाएगा, कितना, सॉरी कितना हो जाएगा, ये वाला नीचे फंक्शन आ जाएगा, तो 1 इंटू 4 लिख दिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, सॉरी माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया है, बचा 1, तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, कितना है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा दे रखा है हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि फंक्शन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट थीटा का रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी अपॉन में डी थीटा, और ये कितना है एक्स, और डी अपॉन में डी थीटा, ये क्या है कॉस थीटा, माइनस डी अपॉन में डी थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस 2 थीटा। दोनों में मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पहले ब्रैकेट लगाएंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे डी अपॉन में डी थीटा, पहले वीडियो में देखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी थीटा, सिर्फ एक्स को क्या करते हैं यहाँ पे चिपका देते हैं। कॉस का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस, अब कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस का साइन 2 थीटा, बात समझ आई। लेकिन अभी चैन रूल लगेगा, तो चैन रूल लगेगा, कॉन्स्टेंट टर्म 2 बाहर ले लिया, d अपॉन में d थीटा लिखिए, 2 थीटा लिखिए, कितना लिखा 2 थीटा। अब 2 कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर ले लेते हैं, तो dx अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 तो कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर ले लेंगे, तो 2 साइन 2 थीटा, और थीटा का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाता है 1, तो 1 हम लिखेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास निकल के आ गया पहला फंक्शन में, बात समझ में, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड फंक्शन क्या हमारे पास गिवन है। सेकेंड फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसका डिफ्रेंशिएट जब हम लोग करेंगे तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी थीटा, सेम करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा डी अपॉन में डी थीटा, लिख लेते हैं पहले डी अपॉन में डी थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और ये डी अपॉन में डी थीटा साइन 2 थीटा, तो डी वाई अपॉन में डी थीटा, साइन का हो जाता है कॉस थीटा, माइनस साइन का क्या हो जाएगा, पहले साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा। अब चैन रूल लगाएंगे तो 2 और थीटा का कितना हो जाएगा 1, देखिए चैन रूल में 2 थीटा का होगा तो 2 का हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म, थीटा का हो जाएगा 1 थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा निकला है, 2 कॉस 2 थीटा निकला है, बात समझ में आई। और हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन में जब डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी थीटा, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी थीटा हो जाएगा। रखिए वैल्यू डी वाई अपॉन में डी थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, बात समझ नहीं, अपॉन में ये कितना डी एक्स अपॉन में डी थीटा कितना निकला है माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, या साइन थीटा को इधर लिख लीजिए, या माइनस का साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा, बात समझ नहीं। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लाइन अगर और बढ़ा के आपको लिखना है तो एक लाइन आप और बढ़ा सकते हैं, कैसे देखें, यहाँ पे निकालना है हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना ही था, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालने हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा अपॉन, ये इधर लिख लीजिए प्लस में है, तो 2 साइन 2 थीटा, और माइनस का क्या है साइन थीटा, बात समझ में आई। तो ये क्या निकल आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा, बात समझ में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6
देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स जो हमारे पास है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है x इज इक्वल टू a थीटा साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरा दे रखा है y इज इक्वल टू a वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में दे रखा है। दो फंक्शन दे रखे होते हैं लेकिन निकालना हमें क्या है, dy अपॉन में dx निकालना है, तो फिर वही कंडीशन करेंगे सॉल्यूशन में। ध्यान से देखिए, x बराबर दे रखा है a थीटा माइनस साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब थीटा के करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन में d थीटा, a कांस्टेंट टर्म है, और ये d अपॉन में d थीटा, और थीटा का करेंगे और माइनस d अपॉन में d थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा का। देखिए d अपॉन में बोथ साइड में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो dx अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू a, थीटा का डिफ्रेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो क्या हो जाएगा 1, माइनस साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या होता है डिफ्रेंशिएट कॉस थीटा हो जाता है। बात समझ में आई, इसको सॉल्व करना तो और सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में d थीटा, a ऑलरेडी है, कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये पहले आप फॉर्मूले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो dx अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा a, ब्रैकेट खोलिए 1 माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया dx अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू 2a, देखिए a ये है ये 2 है, तो 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आ गया dx अपॉन में d थीटा निकल गया है, क्या निकल गया dx अपॉन में d थीटा निकल के आ गया। अब चलिए सेकेंड वाला इक्वेशन हम लोग देखते हैं क्या है, सेकेंड वाला इक्वेशन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा गिवेन है, 1 प्लस कॉस थीटा, अब ये प्लस में गिवेन है तो इसका भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब थीटा के करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी थीटा, ए कांस्टेंट टर्म है, डी अपॉन में डी थीटा ये 1 है, प्लस डी अपॉन में डी थीटा ये कितना है कॉस थीटा है, क्लियर है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी थीटा, ए कांस्टेंट टर्म है, 1 का क्या हो जाता है डिफ्रेंशिएट 0 हो जाता है, कॉस का हो जाता है माइनस का साइन थीटा, तो ये डी वाई अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, तो डी वाई अपॉन में डी थीटा। अब एक चीज और आपको बताएं, ये किसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है, तो ये डी वाई अपॉन में डी थीटा निकल के आ गया। अब निकालना क्या है हमें, ये चीज देखिए ध्यान से, क्या निकालना है हमें, निकालना है हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है, अभी क्वेश्चन यहाँ नहीं सॉल्व हुआ है, निकालना है डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो जब डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है डी वाई अपॉन में डी थीटा और प्लस डी एक्स अपॉन में डी थीटा, ये दो फंक्शन गिवेन है। तो देखिए पहले इसका वैल्यू जब हम रखेंगे और ये वैल्यू रखेंगे तो निकल के आएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, हमें निकालना है डी वाई अपॉन में डी थीटा कितना दे रखा माइनस का ए इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये दे रखा है अपॉन में, ये कितना दे रखा है 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल हो गया, दो साइन, एक साइन यहाँ पे 2 हैं, तो ये आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है, तो ये बचेगा माइनस का सिंबल लगाया कॉस थीटा बाई 2 अपॉन एक बचेगा साइन थीटा बाई 2, बस समझ में, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है टेन हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए आंसर निकल के आएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है टेन, सॉरी कॉट, तो ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट,
थीटा बाई टू। अब थीटा बाई टू क्योंकि एंगल यहाँ पे इक्वल है, जब एंगल इक्वल होते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट थीटा बाई टू, क्योंकि कॉस अपॉन साइन फॉर्मूला होता है कॉट। क्लियर।